राहों की चुनौतियों से कहां डरते हैं हम, लेकर जीत का जज्बा उनसे लड़ते हैं हम। भारत की नारी अब संभाल रही है जिम्मेदारी। संसद से लेकर पंचायत तक महिला शक्ति की गूंज है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्पित मार्गदर्शन में पंचायती राज मंत्रालय के नेतृत्व में देश भर की पंचायतों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती से कदम उठाए हैं। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। संविधान के 73वें संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को मिले संवैधानिक अधिकार ने जमीनी लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत किया है। संविधान का अनुच्छेद 243 डी पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम एक तिहाई पदों पर निर्वाचन में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करता है। लेकिन पंचायती राज मंत्रालय के प्रयासों से आज देश के 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने 50% आरक्षण का प्रावधान कर आधी आबादी को पंचायती राज में उसके पूरे हक का रास्ता दिखाया है। देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में 31 लाख से अधिक निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 46% महिलाएं हैं। पिछले एक दशक में पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने मंत्रालय और राज्यों से मिल रहे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त होकर पंचायतों में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को बखूबी समझा है। महिला पंच सरपंच अब गांवों में चेंज मेकर की भूमिका निभा रही हैं। मेरे जो पंचायत है उसमें 50% तो अभी रिजर्वेशन महिला का है, तो महिला मेंबर ज़्यादा है। महिला कुछ कर सकते हैं, इसके लिए सरकार भी प्रयास किया है कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाए, तो SHG ग्रुप का सुला मिला है जो पहले मेरे पंचायत में नहीं था। पंचायती राज मंत्रालय के पर्याप्त परामर्श और मार्गदर्शन से आज पंचायतों की बैठकों और विशेषकर ग्राम सभा में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी बढ़ी है। ग्राम पंचायतों में महिला एवं बाल विकास पर स्थायी समिति में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करके भी महिलाओं के नेतृत्व को उभारा जा रहा है। महिलाओं के हाथ में पंचायत की कमान आने से गाँव के आंगनबाड़ी, स्कूल, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे सामाजिक मुद्दों पर उल्लेखनीय बदलाव आया है। लेकिन पंचायत का चुनाव जीतकर सरपंच, पंच या प्रधान की कुर्सी पर पहुंचने वाली महिलाओं की सफलता तक पहुंचने की राह इतनी आसान न थी। जब मैं सरपंच बनी तो मैंने देखा था मेरी पंचायत के अंदर कि महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है, और दूसरा एक धारणा बनी हुई है SP और PP यानी कि सरपंच पति और प्रधान पति की। तो जब मैं सरपंच बनी तो मेरे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो सरपंच पति और प्रधान पति की थी। उस चुनौती को मैंने खत्म किया। इसी बदलाव की बदौलत अब देश की पंचायतों की महिला सरपंचों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच UNFPA के न्यूयॉर्क समिट से लेकर श्रीलंका में राष्ट्रमंडल देशों की कोलंबो में आयोजित दक्षिण एशियाई समिट जैसे प्रतिष्ठित मंचों को साझा किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आज मिसाल बन रहा है महिला सशक्तिकरण का। पंचायती राज में लगातार बढ़ती महिला भागीदारी ने साबित किया है कि पंचायत से लेकर देश के राष्ट्रपति पद तक आज नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है।